देखो जरा, ये है भाई बच्चों क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25, अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? 25। देखो जरा, एलएचएस क्या, सॉरी एलएचएस नहीं, इसमें हमें दिया है साइन एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बताओ जरा? साइन एक्स दिया हुआ है 3/5। कॉस वाई दिया हुआ है, कॉस वाई क्या है बताओ जरा? -12/13, -12/13। ठीक है बच्चों, एक्स एंड वाई बोथ लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स और वाई दोनों ही कहां है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से 90 इज लेस देन एक्स, लेस देन वाई, लेस देन 180। ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। हाँ, -12/13। ठीक है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बताओ क्या करेंगे? देखो बच्चों, हमें साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। साइन एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। साइन एक्स प्लस वाई होता क्या है? ये होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अच्छा देखो, हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू है और कॉस वाई की वैल्यू भी है। हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? किसकी वैल्यू नहीं है? कॉस एक्स की वैल्यू नहीं है और साइन वाई की वैल्यू नहीं है। हम कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कहां से करेंगे? साइन एक्स हमें दिया हुआ है 3/5। कॉस एक्स कितना होगा? अगर साइन एक्स 3/5 है बच्चों, तो कॉस एक्स कितना होगा कौन बताएगा? 4/5 होगा। बच्चों 11th क्लास में ही आपको डायरेक्ट समझ आना चाहिए। देखो साइन एक्स कितना है? 3/5। ठीक है, ये एक्स है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? कॉस एक्स की वैल्यू यहां से कितना आएगी? 4/5। अब वाई वाले को देखो, कॉस वाई कितना है बच्चों? 12/13। कॉस वाई कितना है? 12/13। थोड़ी देर माइनस साइन को इग्नोर कर दो, ये 12 है, ये 13 है। पाइथागोरस लगाओगे तो ये 5 आएगा, समझ रहे? ठीक है, अच्छा तो साइन वाई क्या आएगा बच्चों यहां से? साइन वाई क्या आएगा? 5/13। अब एक बात इधर देखो, एक्स और वाई कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में बच्चों कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव लगा दो, तो ये -4/5 हो गया। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में वाई क्या होता है? साइन वाई क्या होता है? साइन क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में? तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये दोनों वैल्यू यहां डाल दो, साइन एक्स हमारे पास है 3/5, कॉस वाई बताओ 12/13, प्लस में कॉस एक्स -4/5 इंटू साइन वाई 5/13 -36/65 -20/ निकाल दो आंसर, कितना हो गया? -56/65। ये आपका आंसर होगा। एग्जाम्पल 26 देखो बच्चों, एग्जाम्पल 26 क्या दिया हुआ है? एलएचएस देखो, एलएचएस क्या है? कॉस 2x, कॉस 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस 3x बाई टू, कॉस 9x बाई टू, कॉस 9x बाई टू, दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन 5x इंटू साइन 5x बाई टू। तो RHS क्या है बच्चों? RHS क्या है? साइन 5x, 5x इंटू साइन 5x बाई टू, ये दिया हुआ है।
टू नहीं है भाई यहां पर, टू हटाओ, ठीक है। चलो बच्चों क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सर हम कॉस टू एक्स, देखो बच्चों शायद एक आइडेंटिटी मैंने आपको नहीं बताई इसलिए फिर बता देता हूं, मतलब पिछली बार बताई होगी, अब सेकंड वाले फेज में नहीं बताई। तो साइन ए, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी बच्चों ये होती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखो अच्छा बच्चों मतलब देखो बच्चों आ जाओ इधर आ जाओ, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, माइनस टू साइन ए साइन बी, माइनस टू साइन ए साइन बी, माइनस टू साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ठीक है बच्चों अब यहां पर आओ, यहां पर हम वही वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, बट हमारे पास टू नहीं है तो टू से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, टू से आप इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो बच्चों ये हो गया टू कॉस टू एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू, इसको भी करेंगे टू कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस नाइन एक्स बाई टू, ये समझ आया, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ। चलो बताओ टू कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी लगाओ इस पे, क्या बनेगा? कुछ नहीं किया बेटा, टू से मल्टीप्लाई किया है, ये देखो इसलिए यहां टू आ गया, यहां पर भी टू आ गया, ये टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी कर दिया। बोलो उसको नहीं दिखेगा, बताओ आप जरा बोलो, चलो आ जाओ इधर, अब क्या करें इसमें, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी टू एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू टू कॉस, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, बताओ ए माइनस बी, टू एक्स माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस बताओ ये बोलो, कॉस ए प्लस बी यानी कि थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स बाई टू, ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है अच्छा क्या आएगा अब यहां पर दूसरे टर्म बताओ, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, सॉरी कॉस ए माइनस बी, थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स बाई टू, आइडेंटिटी जो अभी राइट में ये है वो वाली, ठीक है, फिर से देखना चाहते हो तो देखो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, क्या ही समझ आया आपको? दिस इज हाफ ऑफ, बताओ जरा ये कॉस ऑफ टू टू जो फोर एंड वन फाइव एक्स बाई टू,
5x/2 प्लस कॉस ऑफ 2 to the 4 माइनस दिस 3x/2 माइनस कॉस ऑफ 3 to the 6 and 9 15x/2। बच्चों यहां पर बीच में प्लस साइन आएगा जो छूट गया है, यहां पर बीच में प्लस साइन लगाओ, ठीक है। एंड अगर आपके पास इस टाइप की सिचुएशन आए ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास स्पेस कम पड़ जाए तो आप इसको यहां से पकड़ो, इसको थोड़ा सा इधर करो, ठीक है, इरेजर से इसको मिटाओ और यहां पर अच्छे से प्लस लगाओ। माइनस क्या हो गया, कॉस ऑफ बताओ जरा, 3 to the 6 minus 9 माइनस 3x/2 एलसीएम जस्ट देखो जरा, कॉस 5x/2 प्लस कॉस 3x/2 माइनस कॉस 15x/2 माइनस। अच्छा ये बताओ कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो बच्चों ये कॉस ऑफ माइनस 3x क्या बन जाएगा, 3x/2 करेक्ट, 3x से 3x आप कट कर दो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 5x/2 माइनस कॉस ऑफ 15x/2 अब इस पे दोबारा से क्या लगा दोगे, दोबारा से क्या लगा दो इस पे बताओ, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू। बच्चो आती है नहीं आपको आइडेंटिटी, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई दिस इज इक्वल टू टू साइन, नहीं नहीं गलत लिख दिया, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, दिस इज बताओ जरा क्या हो गया, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, 5x/2 15x/2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, उस आइडेंटिटी को देखो, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 5x/2 माइनस 15x/2 डिवाइडेड बाय 2 समझ रहे हैं, गुड। बच्चों ये क्या हो गया, माइनस टू साइन ऑफ, बताओ ये क्या बना, बताओ माइनस टू साइन 20/2 ये एलसीएम तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो सीधे जुड़ जाएंगे, 15 और 5 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 और उसको 2 से फिर डिवाइड किया 5, कितना आएगा, माइनस टू साइन 5x इंटू साइन, यहां जाओ 15 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस 15 में से 5 माइनस करेंगे माइनस 10, माइनस को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 5, माइनस 5 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 5x/2, बाकी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो अपना प्रॉपर। एंड बच्चों माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा,
चले आगे, हाफ ऑफ साइन माइनस थीटा बाहर निकलेगा ये, और वो इस माइनस से स्ट्राइक करेगा, प्लस हो जाएगा, टू साइन फाइव एक्स इंटू साइन ऑफ फाइव एक्स बाई टू, ठीक है, टू से टू को, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, नाइस। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो आओ इधर, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8, 10 पाई बाई 8, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27, मिसलिनियस का एग्जाम्पल है 27। बच्चों एक बात बताओ, बताओगे ना, कल मैंने आपको आपको आइडेंटिटी बताई थी, 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू बता सकता है कि मुझे 2 साइन स्क्वायर x, ये बिल्कुल सही है, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x, क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। अब आप एक बात बताओ मुझे, थोड़ी देर के लिए इस पाई बाई 8 को भूल जाओ, और मैं चलो यही लिख देता हूं, लेट पाई बाई 8 इज इक्वल टू थीटा, पाई बाई 8 इज इक्वल टू थीटा, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, टेन थीटा बन गया, हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, टेन थीटा। मैंने थीटा इसलिए रिप्लेस कर दिया कि आपको अंडरस्टैंडिंग में कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। So, tan थीटा को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा का अंडर रूट, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इंटू टू और इंटू टू नहीं कर सकता यहां पर, एंड 2 साइन स्क्वायर एक्स को वहां से देखो कितना होता है, तो यहां 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस, नहीं समझ आया, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, अच्छा थीटा कितना है, तो बच्चों 2 थीटा कितना होगा, 2 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8 क्या होता है, मतलब व्हाट इज थीटा, थीटा इज पाई बाई 8 एंड 2 थीटा इज, ओके 10 थीटा, यह टेन थीटा है ना, थीटा कितना है पाई बाई 8, थीटा कितना है पाई बाई 8, और 2 थीटा कितना है 4, पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, सबको पता है ना, तो यहां लिख दूं 45 और यहां पर भी 45, दिस इज इक्वल कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, cos 45 की वैल्यू होगी 1 बाय रूट टू, cos 45 की वैल्यू फिर से नीचे भी डाल दी, क्या आ गया, एलसीएम ले लो बच्चों यहां पर, रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू अपॉन रूट टू प्लस 1 बाय रूट टू, ठीक है, रूट टू से रूट टू कट हो गया ना, वो इधर उधर होता है तब कटता है, रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट टू प्लस 1, अब इसको क्या कर दें, रैशनलाइज,
रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, सॉरी प्लस वन नहीं, माइनस वन माइनस वन। बताओ क्या आया? अपॉन नीचे क्या होगा बच्चों? ठीक है, होल स्क्वायर कट करो, रूट टू माइनस नीचे फिफ्टी। अगला क्वेश्चन बच्चों, एलएचएस, एलएचएस क्या है बच्चों? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फाइव बाई थ्री, एक्स प्लस फाइव बाई थ्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फाइव बाई थ्री। ठीक है बच्चों, और इसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? थ्री बाई टू के इक्वल प्रूव करना है। आरएचएस क्या है हमारी? आरएचएस है बच्चों थ्री बाई टू। बताओ जरा, बताओ कैसे करेंगे? कौन बताएगा? एक्लियर डबल एक्लियर उधर एक्लियर चलता है ना टेंथ में, टेंथ में उधर एक्लियर डबल एक्लियर चलता है। बताओ भाई, चलो बताओ फिर। कॉस स्क्वायर अभी अभी आज ही हमने किया, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा, हमने ये किया है। टू कॉस स्क्वायर थीटा इज वन प्लस कॉस टू थीटा। अगर मैं यहां से टू हटा दूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, क्या ये समझ आया? ठीक है, और ऐसे ही बच्चों आज ही हमने किया है, वैसे ही इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए ये आइडेंटिटी। टू साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस टू थीटा होता है ना, और अकेला साइन स्क्वायर लिखना हो तो वन माइनस गॉट इट, समझ आया? दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बताओ जरा, वन प्लस कॉस, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर दिस, वन प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ दिस एंगल एक्स प्लस डिवाइडेड बाई प्लस, बोलो वन प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ दिस एंगल टू एक्स माइनस चलो भाई इधर आओ, आ जाओ फिर। अब ये देखो बच्चों, टू तो हमने हर जगह से कॉमन ले लिया, तो टू कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? यहां टू, यहां का टू और ये टू तो बाहर निकल गया। अब यहां क्या बचेगा? वन
प्लस कॉस टू एक्स, वन प्लस दिस, वन प्लस दिस, तीनों जगह वन वन है ना, तीनों वन इकट्ठे होके थ्री बन जाएगा, तीनों वन इकट्ठे होके क्या बन जाएगा, थ्री। यहां पर है कॉस टू एक्स, क्या है प्लस, यहां पर क्या है कॉस टू एक्स प्लस टू पाई बाय थ्री, आगे क्या है कॉस टू एक्स माइनस टू पाई बाय थ्री। चलो आ जाओ, थ्री प्लस कॉस टू एक्स, बच्चों यहां पर क्या अप्लाई कर दो, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, बताओ जरा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, टू कॉस टू एक्स प्लस टू पाई बाय थ्री, टू कॉस एक्स प्लस वाई, वाई क्या है बच्चों, ये वाली टर्म आ वाई है, तो क्या लिखोगे टू एक्स माइनस टू पाई बाई थ्री एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई बाई टू, ये कंप्लीट हमारा एक्स है, ये कंप्लीट हमारा वाई है, टू एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, ठीक है। और अगर आपने सुविधाओं का फायदा नहीं उठाया तो कोई फायदा ही नहीं फिर, इसलिए इसको यहां किया जाए, ठीक है। अब देखो जरा इसके बाद क्या लिखना है बच्चों, इन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, सो व्हाट इज एक्स, एक्स इज दिस टू एक्स प्लस टू वाई टू पाई बाई थ्री, ठीक है, एक्स माइनस वाई, वाई कितना है बच्चों, ये टू एक्स माइनस टू पाई बाई थ्री वाई है, ये वाई है, तो माइनस टू एक्स माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस में, प्लस टू पाई बाई थ्री, नहीं समझ आया, ऐसे था बच्चों माइनस करना था, क्या करना, माइनस करना था टू एक्स माइनस टू पाई बाई थ्री, माइनस को ओपन करो, माइनस टू एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री, समझ आया ऐसे, दिस इज क्या आ गया, बताओ ये कैंसिल हुआ, टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स, फोर एक्स बाई टू, तो क्या लिखेंगे इसको, टू एक्स, ठीक है। यहां पर भी टू एक्स से टू एक्स कैंसिल, क्या आएगा, अच्छा बच्चों मैंने गलती से यहां टू नहीं लिखा, नीचे एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई टू होता है ना, तो यहां बच्चे बच्चे क्या बचेगा, टू पाई बाई थ्री, देखो ये टू पाई बाई थ्री, ये टू पाई बाई थ्री, और इसके नीचे क्या है टू, बताओ क्या आंसर आया, टू पाई बाई थ्री ही, ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास टू पाई बाई थ्री आएगा, करके देख लो, ठीक है, कैसे, टू पाई बाई थ्री प्लस टू पाई बाई थ्री कितना हो गया, फोर पाई बाई थ्री, और इसके नीचे क्या है टू, तो इसको क्या लिखोगे, फोर पाई बाई थ्री और नीचे क्या है टू, टू से ये टू कट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा कॉस टू पाई बाई थ्री, यस बोलिए, ठीक है बच्चों चले आगे, थ्री प्लस कॉस टू एक्स, टू कॉस टू एक्स, कॉस टू पाई बाय थ्री, कॉस टू पाई बाय थ्री को क्या लिखोगे, देखो बच्चों कॉस टू पाई बाय थ्री का मतलब इस टू पाई को लिख देता हूं मैं थ्री पाई माइनस पाई, ऊपर जो टू पाई है ना इसको मैंने क्या लिख दिया, दिस बाई थ्री,
इसको आप लिखोगे कॉस ऑफ, देखो जरा पाई माइनस पाई बाई थ्री, कॉस 180 माइनस थीटा, एंड कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस पाई बाई थ्री, ठीक है माइनस कॉस पाई बाई थ्री, और माइनस कॉस पाई बाई थ्री कितना होगा कॉस 60 माइनस हाफ होता है, कॉस 60 क्या होता है माइनस हाफ, तो बच्चे ये क्या हो गया माइनस हाफ, ठीक है दिस इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 को कट कर दो, 3 प्लस कॉस 2x, एंड बच्चों ये क्या आया माइनस कॉस 2x हो गया तो कट जाएगा, माइनस कॉस 2x हो गया तो कट जाएगा, सो योर फाइनल आंसर इज दैट इज इक्वल टू योर कॉस 2x आर एच एस, दैट इज इक्वल टू योर आर एच एस, that would be the reason.